अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काजमी और आप देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें ज्वाइन किया है सुमित पीर जी ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। और थैंक थैंक यू। यू सर। और सर, आज आपसे हमें पूछना है कि आपके जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं, उनका कहना है कि तकरीबन 20 साल लगेंगे इंडिया को डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल होने में या बनने में। क्या कहेंगे आप? आरजू जी, नमस्कार। शो में बुलाने के लिए धन्यवाद और सभी दर्शकों को नमस्कार और आभार। ये सी रंगराजन साहब ने कहा था कि ऐसा है। देखिए, बेसिकली अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उन्होंने एक पैरामीटर लिया, वो है पर कैपिटा इनकम। कह रहा पर कैपिटा इनकम को देखें तो इतना साल है, मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री में, लो इनकम ग्रुप कंपनी कंट्री में आते हैं। ये उन्होंने लॉजिक लगाया है। देखिए, अगर आप पर कैपिटा इनकम जाएंगे तो सबसे ज्यादा कतर की है। अभी कतर का जीडीपी आपको पता पाकिस्तान से कम है, 271 ट्रिलियन है। पाकिस्तान करीब 3 साढ़े 300 सॉरी 271 बिलियन है। पाकिस्तान में ट्रिलियन ना मुंह पे चढ़ गए, इंडिया का हम बोलते 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 मिलियन निकलता ही नहीं। तो नो इश्यू सर, मेरे साथ भी बहुत बार होता है। मेरी ऑडियंस कहती है जी नहीं, मिलियन नहीं, बिलियन थे, बिलियन नहीं, मिलियन थे। मैंने कहा वो आप लोग खुद समझ लो, मैंने जो बोलना था बोल दिया। अब आजकल ट्रिलियन की आदत हो गई, बिलियन में आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो तू आपका 350 बिलियन के आसपास जीडीपी है, कतर का 271 बिलियन है। और कतर हैज हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम क्योंकि उनकी आबादी केवल 30 लाख है। फिर सिंगापुर नंबर 2 पे आता है, या फिर आपका ब्रुनाई आता है। ये नंबर 1 2 नंबर 1 कतार है, 2 3 ही आते हैं। मुझे बताइए, बाय दैट लॉजिक क्या सिंगापुर, कतर या ब्रुनाई, तीनों की बात करो, क्या ये मिलिट्री सुपर पावर है? क्या ये न्यूक्लियर पावर्स हैं? क्या इनके पास सबसे बड़ी मिलिट्री है? क्या इनके पास गोल्ड रिजर्व्स हैं? क्या इनके पास हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है? क्या इनका जियो पॉलिटिक्स में इतना दम है? क्या ये P5 के कोई मेंबर है? क्या ये क्वाड में I2U2 के, ब्रिक्स के, SCO की प्रेजिडेंसी इनके पास है? क्या इनके पास G20 की प्रेजिडेंसी है? क्या ये इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी है? कतर के पास पैसा क्यों? क्योंकि 70% दुनिया का गैस कतर में। सिंगापुर इज लाइक अ सिंगापुर को 25, आपको पता सिंगापुर का एरिया कितना है? 25/40, 25/40 की वो बिजनेस टी है, इट्स अ बिजनेस टी। और ब्रुनाई इज अगेन बिकॉज ऑफ ऑयल। तो अगर आप पर कैपिटा इनकम से देखें, हाँ हम पीछे हैं, कोई डाउट नहीं है। पर आप जहाँ दुनिया की करीब करीब 18% इनका 18% आबादी रहती हो, वो पर कैपिटा इनकम में कभी आ सके नहीं आ सकती। आप कंबाइंड जीडीपी की बात कीजिए, आप पीपीपी की बात कीजिए, जिन पैरामीटर्स में मैंने बात की उनकी बात कीजिए। कतर सुपर पावर है, आपने कभी देखा सुना या जाना? सिंगापुर सुपर पावर है, आपने कभी देखा सुना या जाना? मैं आपको हमेशा कहता था। और हाँ, ब्रुनेई का भी सुपर पावर, ये सुना देखा जाना माना कि किसी के सपने में भी आया ये? मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, बड़े आला ओहदे पे रहे हैं वो। बट ये प्रैक्टिकल चीज है, यू कैन नॉट रीड वन पार्ट ऑफ द डाटा एंड इंटरप्रेट द होल स्टोरी। मतलब अगर आपको डाटा पढ़ना है तो पूरा पढ़िए ना आप। बिल्कुल, मैं आपको एग्जैक्टली। बिल्कुल, मैं आपको आरजू जी हमेशा कहता था, वी आर नॉट अ डेवलपिंग इकोनॉमी, वी डोंट वॉन्ट टू बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी, वी आर सुपर पावर इन मेकिंग। मैं डेवलपिंग डेवलप की तो बात ही नहीं कर रहा, ये मैं आज इस आर्टिकल के रेस्पॉन्स में नहीं कह रहा। अगर आप पिछले 1-2 साल के वीडियो देखें, मैं आपको यही कह रहा हूँ। तो यहाँ जो है, आज आपके पास इंडिया की करेंसी, इंडिया का रुपया, रुपए कार्ड और UPI करीब करीब आरजू जी 35 कंट्रियों में एक्सेप्ट हो रहा है। हम सबके साथ फॉरन रुपी ट्रेडिंग के अकाउंट खोल रहे हैं, मतलब वेस्ट्रो अकाउंट। हमने रशिया के साथ तो शुरू कर दिया, रशिया और एक और कंट्री श्रीलंका के साथ। नेपाल में इंडियन रुपया सब्सिडरी करेंसी चलती है, श्रीलंका में इंडियन रुपया सब्सिडरी करेंसी चलेगी, और यही उन 35 कंट्रियों में चलेगा। पीछे जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर साहिबा आई थी, उन्होंने चांदनी चौक से एक दुपट्टा खरीदा, रुपये कार्ड से अपने पैसा दिया। जर्मन के एम्बेसडर ये कहते हैं कि आई एम इम्प्रेस बाई द अमाउंट ऑफ डिजिटलाइजेशन इंडिया हैज डन एंड जर्मनी हैज टू लर्न फ्रॉम दैट। हमारे यहाँ अक्टूबर की बात आपको बताऊँ, आपको पता है टोटल कितना ट्रांजेक्ट हुआ डिजिटली? ये तो मैंने आपको बताया था कि हर 3 रुपए में से 2 रुपया ट्रांजेक्टेड डिजिटली। वी डिड $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन इक्विवेलेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द मंथ ऑफ नवंबर। हमारा जो फिनटेक है, हमारा जो ये मार्केट है, वो इसकी इस मार्केट का वैल्यूएशन करीब $6 ट्रिलियन है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ हर एक चीज की वैल्यूएशन ट्रिलियंस में है, आप एक पर कैपिटा इनकम को लेके कैसे बेंचमार्क कर रहे हो? पहले तो ये काम आपके एक दूसरे चैनल पे कोर्स से वो बड़ा करते थे, तो तब मैंने उन्हें समझा, उसके बाद उन्होंने पूछा नहीं। मैंने कहा यार ये कम से कम सिंगापुर और कतर से तो कंपेयर मत करो ना आप। B4 में इंडिया आता है, चाइना आता है, US आता है और रशिया आता है। इवन रशिया कैन नॉट बी इकोनॉमिक सुपर पावर, रशिया में वो इकोनॉमी है नहीं। तो अगर हम इकोनॉमिक सुपर पावर की बात करें, ओवरऑल सुपर पावर की बात, रशिया इज द सुपर पावर बिकॉज़ इट्स अ मिलिट्री पावर। और आरजू जी
नंबर वन टीपीपी में चाइना आता, नंबर टू यूनाइटेड स्टेट्स आता, नंबर थ्री हम आता. लॉन्ग रन में चाइना रहेगा नहीं, इट्स द रेस विल बी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया. तो ये बातें तो बेमायनी है. और अब आप जेपी मॉर्गन की स्टडी देखिए, मैकेंजी की देखिए, उन्होंने कहा पिछले नेक्स्ट 8 साल में विल बी ट्रेंड ट्रिलियन इकोनॉमी. तो कितनी इकोनॉमी ट्रेंड ट्रिलियन है? अब जर्मनी का आउटलुक, इकोनॉमिक आउटलुक देखिए, -0.3 है. जापान का 1.3 है. चाइना तो 2.3 पे धक्के खा रहा है. यूएस में तो 1.3-1.4 की बातें हो रही. हमारा कितना है? हमारा 7% है. ऐसा नहीं उन्हें पता नहीं, उन्हें सब पता है. बट ही इज पिकिंग वन पार्ट ऑफ द डाटा एंड ट्राइंग टू एक्सट्रपोलेट अ इमेज आउट ऑफ इट. वो गलत है. और मैं आपको एक और बात बताऊं, आज हमारी करेंसी करीब 35 कंट्रियों में चल रही है, वेस्टर्न अकाउंट्स खोल रहे हैं, ऑन अप्रूवल खुलता है धीरे धीरे. हर जगह हम रुपए ट्रेडिंग की बातें कर रही है. जिस दिन ये हमारी करेंसी 40 से 50 कंट्रियों में चलने लगेगी, वी विल ऑटोमेटिकली एंटर IMF's करेंसी बास्केट. मिलिट्रीली हम नंबर थर्ड, पीपीपी वाइज वाई नंबर 4, बाय एब्सोल्यूट जीडीपी वाई नंबर 5, थर्ड पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड. वी हैव मोर, वी हैव अ पावरफुल एयरफोर्स एंड चाइनीज एयरफोर्स, राइट? Our army is much in number than Chinese. We are the guarantee of the world. We are the food basket of the world. We are the pharmacy of the world. We are the IT capital of the world. We are the solar power of the world. Mm. We are the part of the sun alliances. We have the wind, highest wind energy. We have the highest youth. We have 8 million youth population. We are the youngest competent population in the world. Our market size of various industries in trillions of dollars. We are a superpower. So, agar aap in sab cheezon ko baat kare, to what else makes a superpower? Aur aapko ek aur cheez batau. सुपर पावर बनने के लिए चार चीजें होती है. पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, मिलिट्री, कंट्री, जीडीपी का साइज, और आपकी अगर आप यू आर अ न्यूक्लियर पावर दैट विल ऐड ऑन टू इट. बट ठीक है, नहीं भी होगे तो चल सकता, बट न्यूक्लियर पावर एड्स ऑन टू इट. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज बैकिंग योर करेंसी. आरजू जी, हमारे पास इतना सोना, जो हम पहले आपके शो पे बात कर चुके हैं, पूरी दुनिया का सोना एक तरफ, उससे ज्यादा सोना हमारे पास है. दैट विल बी अ गारंटी टू अवर करेंसी टू गो ग्लोबल. ना जब इतनी सारी चीजें हमारे पास है, पर कैप्टा कम रहेगी. हम 135 करोड़ लोग हैं, चाइना 140 करोड़ है. और ये एक और बात बताइए, चाइना का हमसे थोड़ा सा ज्यादा पर कैप्टा इनकम है, राइट? तो चाइना कैसे फिर श्रेणी में आता है? मैं चाइना से कंपेयर नहीं कर रहा, बाकी चाइना का हर नंबर नकली है. जहां दुनिया की 18% पॉपुलेशन रहेगी, यू कैनॉट कंपेयर दम दैट. तो ये जो IMF, वर्ल्ड बैंक, मैकेंजी या जेपी मॉर्गन कहता है, या दुनिया का हर छोटा बड़ा इदारा कहता है, ये जो लोग कहते हैं कि इंडिया इकोनॉमी इज रिसेशन प्रूफ, जो कहते हैं इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट इन द रिसेशन वर्ल्ड ऑफ रिसेशन, कि ये सब गलत कह रहे हैं क्या? गलत नहीं कह रहे हैं. दे आर लुकिंग एट द होलिस्टिक पिक्चर. दे आर लुकिंग एट द होलिस्टिक पिक्चर. अगर मैं एक चीज उठा के उसको एक्सट्रोलेट करूँ, ठीक है, हमारी पर कैपिटा लो रहेगी, दैट्स ओके, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता. बट दैट डज नॉट स्टील अवर चांस ऑफ बिकमिंग अ सुपर पावर. वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग, थे, है और रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन सर टाइम तो लगेगा ना, जैसे वो कह रहे हैं उसमें आर्टिकल में भी है, तो नहीं, वो 20 years और वो बात तो गलत नहीं है. उन्होंने वो अर्जुन जी, उन्होंने बोला कि हम केवल पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें. मैं पर कैपिटा की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा पर कैपिटा कम है दुनिया में. बताइए दूसरी कंट्री जिसके इतने क्रेडेंशियल, और हमारे साथ तो चाइना और हमारा मीडियन एज 11 साल का डिफरेंस है. चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक आप देखिए, चाइना जब 10-11 साल रहेगा तब बात करेंगे, मेरे हिसाब से तो रहेगा नहीं. तो बट सवाल यहाँ है कि where do we stand today and where are we standing now? There is no country which is parallel to India in the world. किस कंट्री के पास इतना बड़ी डेमोक्रेसी और इतना ग्रोथ विद इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी और इतना बड़ा मार्केट है? आपको एक और बात बोलो, आप इंडिया चाइना की कंपैरिजन हो रही है, एक और लगे लगे हाथ एक छोटा सा डाटा बोल देता हूँ. आप बोलेंगे तो सुमित जी फिर चाइना में घुस गए, बट ये जो चाइना की बात हो रही, तो आप चाइना को खत्म करके छोड़ेंगे सर, मुझे ऐसा लग रहा है. नहीं नहीं बताइए. देखिए यह एक बार आपको बता दूं, ये कोई मुझे इकोनॉमिक समझा दे. कोई कहता चाइना की इकोनॉमी 14 ट्रिलियन है, कोई कहता 17 ट्रिलियन, कोई 18 ट्रिलियन. मैं 18 ही ले लेता हूँ जी. एक ही कंट्री है जिसमें ना भाव लगता मंडी में इकोनॉमी कितनी बड़ी है, बाकी हर एक की फिक्स्ड है, उनकी वेरिएबल पता नहीं क्यों. अब मैं 18 मान लेता हूँ, 3 ट्रिलियन चाइना का एक्सपोर्ट है, बची 15. आबादी हमसे 5% ज्यादा, ठीक है. मुझे बताइए, हम 3.6 से 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो हमसे कितनी ज्यादा हो गई? हमसे करीब करीब 4 गुना ज्यादा हो गई. हम इस इकोनॉमी में थर्ड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी है, रिसेशन प्रूफ इकोनॉमी है, और चाइना डूबता सता रहा है, व्हिच इज 4 times द इकोनॉमी ऑफ आवर साइज एंड द पॉपुलेशन इज ओनली 3-5% मोर. हाउ इज इट पॉसिबल मैथमेटिकली? ये मैथमेटिकली जादू कोई समझा दे कैसे होता है चाइना में. मतलब आपकी इकोनॉमी आपके हिसाब से कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट भी बाहर निकाल रहा हूँ, आपने आपकी हमसे 4-5 गुना बड़े हो इकोनॉमी वाइज, आबादी केवल 5% ज्यादा है,
पर इकोनॉमी 400% 500% ज्यादा, स्टिल यू आर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, स्टिल यू आर नॉट अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी, एंड इवन एट 3.6 टू 4 ट्रिलियन वी आर अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी, हाउ इज दिस पॉसिबल? और हमें कहते हैं हम रोबस्ट इकोनॉमी नहीं है, हमें कहते हैं हम सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं है. देखिए अगर आप पर कैपिटा का लोगे, दैट पॉसिबली ही इज राइट, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग ऑल दैट, पर कैपिटा इज नॉट द क्राइटेरिया. जहां भी आप एक सुपर पावर की परिकल्पना करते हैं, पर कैपिटा तो क्राइटेरिया ही नहीं होता. पर कैपिटा कैन बी वन ऑफ द क्राइटेरिया, बट जो मेजर क्राइटेरिया है वो मैंने बता दिए. दिस इज वॉट वी आर हैपनिंग. 8 से 10 साल विद इन 8 years विल बी एट 10 trillion आराम से. और 10 trillion के बाद आरजू जी, यहाँ आपने मुकेश अंबानी जी का स्टेटमेंट देखा था, अभी बोला था उन्होंने by 2040 or 45 will be more than 30 trillion economy. आने वाले टाइम में रेस हमारी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है, चाइना की है नहीं. चाइना विल नॉट सस्टेन द वे इट इज. सर अभी भी चाइना के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है इंडिया और चाइना की इकोनॉमी में अभी है, तो आप इतनी जल्दी कैसे उसको कवर करेंगे? देखिए चाइना का बहुत डिफरेंस है बिल्कुल. हमारा 600 बिलियन का डेट है, उनका 45 ट्रिलियन का डेट है. हमारा इकोनॉमिक आउटलुक 8 है 7 है, उनका 2.3 है. उनका डेट सर्विसिंग कॉस्ट 1 trillion है, हमारा हम विद एवरी पासिंग ईयर वी आर रिड्यूसिंग आवर डेट. हमारे पास 800 मिलियन यूथ है, उनके पास कुछ नहीं है. हमारी और उनकी मीडियन एज में 11 साल का डिफरेंस है. वी आर द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दे आर द डूम्ड डिस्डे स्टार, दे आर द वायरस ब्रीडर्स, वी आर द वैक्सीन, वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. बहुत डिफरेंस है आज जी, आपने सही कहा, बहुत डिफरेंस है. कोई कंपेरिजन नहीं चाइना और हमारे बीच, और होना भी नहीं चाहिए. हमें, मैं एक बात बताइए, किसी को छोटा करके अगर आप परचेस पावर पैरिटी देखे, क्योंकि चाइना का क्या नंबर था कुछ नहीं पता, परचेस पावर पैरिटी में, व्हिच इज मोर लॉजिकल वे ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, नंबर वन इज चाइना, नंबर टू यूएसए, नंबर तीन हम है. और चाइना अगर वहां खड़ा रहेगा विद सच ए हेवी लेवरेज इकोनॉमी, और आप इकोनॉमिक आउटलुक देखिए रहे, हजारों कंपनियां चाइना छोड़ रही है. और चाइना इफ फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या, चाइना खत्म नहीं होगा, चाइना विल डिसइंटीग्रेट, चाइना विल डिसइंटीग्रेट इनटू फ्यूअर रिपब्लिक्स, और ये सारा सारा हिसाब किताब बढ़ जाना. और ज्यादा टाइम नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ क्वार्टर्स, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इयर्स, इट्स अ मैटर ऑफ क्वार्टर्स. जो अभी हालत चाइना में हो रही है, आपने देखा ये कोविड वोविड का क्या उन्होंने त्राहिमाम मचा रखी कोविड के नाम पे, बायोटेरर की धमकी पूरी पूरी दुनिया को दे रहे, दुनिया को कोविड के चक्कर में डालने के चक्कर में स्टॉक एक्सचेंजेस खराब होने लगे हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस का वो इंडेक्स टूटने लगा है, म्यूचुअल फंड्स का आउटलुक खराब होने लगा. दिस इज व्हाट चाइना इज गिविंग टू द वर्ल्ड. हम क्या दे रहे हैं, हम दवाई दे रहे हैं. हम सर कोविड के लिए तो कहा जा रहा है कि बड़े खौफनाक तरीके से उनके दोबारा से कोविड जो है वो स्टार्ट हुआ, उसकी फिर एक और वेव जो है जी. आपको एक बार बताऊं, जिस वेरिएंट की वो बात कर रहे हैं ना, B7, आरजो जी, ये हमारे दर्शकों का जानना जरूरी है और बहुत जरूरी है. ये कोई नया वेरिएंट नहीं, मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, नो न्यू वेरिएंट्स हैव बीन फाइंड. ये 91 कंट्रियों में पिछले 2 साल में देखा गया. तो अचानक ये चाइना में किलर कैसे बन गया, अचानक ये चाइना में प्रॉब्लम कैसे हो गया, इट वॉज इवन सीन इन इंडिया. सो देर इज नथिंग टू पैनिक, देर इज नो न्यू वेरियंट. वी हैव टू ओनली पैनिक जब कोई नया वेरिएंट दिखे, और उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू कर दी है. चाइना के जहां जहां से फ्लाइट आती है, उन सब कंट्रियों की स्क्रीनिंग शुरू होगी. और हमारी चाइना के साथ कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है आरजू जी, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है. और इसीलिए आरजू जी मैं हमेशा कहता रहा हूँ, डेवलपिंग डेवलप्ड की बात ही नहीं करता, डेवलपिंग डेवलप्ड की बात छोटे लोग करते हैं, सिंगापुर, कतार, ये जितने भी है, ये डेवलपिंग डेवलप्ड की बात करते हैं. हम सुपर पावर इन मेकिंग की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग डेवलप्ड एंड डेवलप्ड. सिंगापुर इज अ डेवलप्ड कंट्री फॉर श्योर, एंड हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर सिंगापुर, मैं रहा हूँ काफी साल वहां. बट कैन सिंगापुर बी अ सुपर पावर? नो. कैन कतार बी अ सुपर पावर? नो. कैन ब्रुनेई बी अ सुपर पावर? दे आर ऑल डेवलप्ड कंट्रीज. मैं अब एक जैसे मैं डेनमार्क की बात करूँ, डेवलप्ड कंट्री सुपर पावर बनेगा क्या? नॉर्वे डेवलप्ड कंट्री सुपर पावर बनेगा क्या? फिनलैंड सुपर पावर बनेगा क्या? या सब बन नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते. सुपर पावर बनने के लिए आपको बहुत चीजें चाहिए. हमने डेवलपिंग की रेस छोड़ दी है. कुछ लोग को ये देख के तकलीफ जरूर होती है कि हम उस रेस में भाग नहीं रहे, हम अब किसी और ही प्लेन में भाग रहे हैं. जब आरजू जी, जिंदगी तब बदलती है जब किराएदार मकान मालिक हो जाता है और किराएदार रखने लगता है. हमारे लिए वो स्टेज आ गया है. वी आर नाउ कम्पीटिंग विद ओनली विद द बिग फोर. हमारे कंपटीटर 4 है दुनिया में, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और हमारे बीच रेस है. उसमें से यूनाइटेड स्टेट्स हमारा दोस्त है, उसमें से रशिया हमारा दोस्त है, चाइना से हमारी अदावत है, बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं है. तो रशिया वैसे इकोनॉमिकली कैन नॉट बिकम अ सुपर पावर. सो द रेस इज बिटवीन अस, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और इन द लॉन्ग रन चाइना विल नॉट बी एबल टू सस्टेन द वे इट इज गोइंग, इट हैज टू ब्रेक अप. सो द रेस इज बिटवीन अस एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वर्सेस द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी. ये डेमोक्रेसियों की रेस है. यहाँ आपको बदलती हुई दुनिया की हकीकतें समझनी पड़ेगी.
आप वो ओल्ड स्कूल इकोनॉमिक्स में रह के यू कैन नॉट ड्रॉ एक्सट्रपोलेशंस. हमें तो आरजू जी, हमें क्या बताऊं, हमें तो जब ये गोरे छोड़ गए थे यहाँ से, फ्रेजाइल फाइव पे छोड़ गए थे, कह रहे थे तुम्हारे बाप पे एहसान किया वहाँ के जलियांवाला बाग किया इन्होंने, ग्रेट बंगाल फेमिन किया इन्होंने, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 साल से भी कम थी. अब बिल्कुल सही, आज 80 हो गई है, लिटरेसी 20% थी, आज 80 हो गई है, मेल फीमेल लिटरेसी बढ़ गई है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, हमारा पूरा खजाना चूस के गए थे, आज हमारा उनसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उनसे बड़ी इकोनॉमी है हम, और आज मिलिट्री पावर हम ऑलमोस्ट वी आर पैरेलल टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड रशिया, ऑलमोस्ट रीचिंग देयर. चाइना से वी आर मोर पावर. और आपको ये भी बताऊं, अगर चाइना की वेसल्स आप बोलेंगे ज्यादा है, नेवल असेट ज्यादा है, बट दिस ईयर दे आर रिटायरिंग देयर 12 सबमरीन्स एंड नेक्स्ट दे आर रिटायरिंग देयर 18. By that time, we'll have around 50-60 more naval assets on the ground. So even on the naval assets, we'll be ahead of China. So ऐसी बात नहीं है. Army हमारी आज के डेट में China से ज़्यादा है. और मैं आपको ये बताऊँ, तवांग में we are dominating. अगर आप international reports पढ़े, तवांग में we are dominated, not China. China 600 लोग लेके आया था, पोस्ट लेने नहीं ले पाया. सच्चाई ये है आरजू जी, भारत की. अब वो कहना ना सावन के सर, आपके अपोजिशन पार्टी तो कुछ और कह रही होती है सर, राहुल गांधी तो कुछ और कहानियां सुना रहे होते हैं. देखिए राहुल गांधी जी राहुल नॉमिक्स लिखते हैं, उसके वो ऑथर भी खुद है, एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुद है, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका पूरा मतलब रेस्पेक्ट है. इनफैक्ट उनके स्टेटमेंट के ऊपर आपके फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया था कि उनको जो है वो आर्मी के लोगों के नाम जो है वो इज्जत से लेने चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए. नहीं, उन्होंने आज तक ये नहीं बताया, मैं ये लाना नहीं चाह रहा था, पर चलिए बात छिड़ गई, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दें, जो 20,000 square kilometers वो कह रहा चाइना लेगा उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दें, कहाँ से कहाँ तक, कब कौन सी धरती. देखिए आरजू जी, जहाँ भारत की बात आती है, जहाँ कंट्री की बात आती है, वहाँ हम सब एक हैं. हमारा कॉमन दुश्मन चाइना है, चाइना मेरा और मेरे पड़ोसी का कम दुश्मन नहीं है, जितना मेरा मेरे पड़ोसी का भी, और हम साथ लड़ेंगे. और भारत, भारत में रहने वाले लोग, बाहर हमारे भाई, जो भी भारत का दोस्त है, सपोर्टर है, समर्थक, जो भी भारतीय जहाँ कहीं भी है, जब मातृभूमि पे हमला होगा या मातृभूमि की बात आएगी, सब जुड़ जाएंगे आरजू जी. इस चीज की ना मेरे से कोकरे कागज पे गारंटी लिखवा लो, साइन करने को देने को तैयार हूँ, सब जुड़ जाएंगे. ये भारत की ताकत है, बिकॉज हम इस कंट्री को जमीन का टुकड़ा नहीं मानते, हम इसको माँ मानते हैं. माँ हमारी दो माँ होती है, एक जो हमें जन्म देती है और ये माँ जो हमारी धरती माँ है. मैं सच कह रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी फिलोसफिकल और रेटोरिकल, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. ये हमारी असलियत है, ये धरती हमारे लिए सबसे ऊपर है आरजू जी. जब हम कहीं जाते हैं, धरती का टीका करके जाते हैं, ये हमारा. सर मैंने बहुत मूवीज देखी है मनोज कुमार साहब की, इसलिए मुझे पता है ये सच है. ये नहीं, दैट्स व्हाई आई नो, मैं यही आपसे कह रही हूं. हां, ये 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 अगर ये जिन लोगों को लगता ना ये धरती हमारे लिए जमीन है या हमारे लिए जी कुछ है नहीं ऐसे, ये वो खाबे गफलत में जी रहे हैं. ये भारत नहीं है, भारत सशक्त हो चुका और आंख में आंख दिलाने के काबिल है किसी के साथ भी. और अगर कोई यहाँ आएगा उसको उसकी औकात दिखाने के काबिल भी, चाइना वो चाइना हो या कोई और हो. सर ज्यादा तो खैर चाइना ही आता है सर, और कौन आता है, हम तो आते नहीं है. हम लोग नहीं आते. सही कह रहे हो आप. हम दूर दूर से स्टेटमेंट लेके भाग जाते हैं, हम आते होते नहीं आपकी तरफ. नहीं, आप तो वो चाइना ही है. आप उनको डिस्पोजेबल जहाजियों को भी तो भेजते हो. सर वो हम नहीं भेजते, वो सर वो आपको पता है वो नॉन स्टेट एक्टर, हमने एक नाम रखा है उनका, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं. वो साइड हीरो का नाम कर दिया आपने. हाँ, तो सर उसलिए हम आजकल सर उधर अफगानिस्तान में ज्यादा बिजी हैं, हमें अफगानिस्तान की तरफ से ज्यादा टेंशन मिल रही है, तो इसलिए हमने फिलहाल के लिए जो इंडियन बॉर्डर की तरफ हम कुछ नहीं कर रहे. लेकिन सर लास्ट में मैं यही पूछना आपसे चाहूंगी कि आपको क्या लग रहा है कि जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं अभी, जैसे इस आर्टिकल की भी बात हुई और कई दूसरी, को लगता है कि कितने टाइम में जो है इंडिया आगे इसी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आपको ये भी लगता है कि जो टेंशन बाकी कंट्रीज के साथ चल रही है इसमें उसका भी तो रोल होगा ना. अगर अगर आपकी चाइना के साथ हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, अगर उसके साथ टेंशन रहेगी तो ये जो स्पीड है आपकी प्रोग्रेस की वो ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि स्लो हो जाएगी. तो आपको इन 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 चीजों को भी जो है ध्यान में रखना चाहिए, इन चीजों से भी निपटना चाहिए कि ये टेंशन भी ना रहे, एक मतलब अच्छे माहौल रहे दोनों कंट्रीज के साथ. देखिए आजू जी, जहां तक हमारी बात है, देखिए सीसीपी बिलीव्स इन 360 डिग्री वॉरफेयर, टोटल वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट है, वो हर तरफ से आपको अटैक करेगा. अब आप देखिए, अगर आप पीछे
देखिए मोदी जी की नेतृत्व में हमने हर एक को अपना अपना टास्क असाइन कर रखा है। मनसुख मांडविया जी है हेल्थ मिनिस्टर, उनका काम है हेल्थ स्क्रीनिंग ये देखना। डॉक्टर जयशंकर साहब अपना काम कर रहे हैं, ही इज नॉट इफेक्टेड और इनफेक्टेड बाय एनीथिंग। वो अपना काम जो उनका स्ट्रेटजी है, कल हमने मैरिटाइम या परसों कल मैरिटाइम पायरेसी हमने बिल पास की है, वह वहां चल रहा है। अमित शाह जी को जो करना अमित शाह जी इज डूइंग व्हाट ही इज सपोज्ड टू डू। राजनाथ सिंह जी को जो करना वो कर रही, निर्मला जी को जो करना वो कर रही है। राजनाथ जी निर्मला जी का काम नहीं करते, निर्मला जी डॉक्टर जयशंकर का काम नहीं करते, और मनसुख मांडविया अमित शाह जी का काम नहीं करते। ये बहुत क्लियर है, हर एक को अपना फोकस विजन विजन पता। पीयूष गोयल जी जैसे वो अपना काम कर रहे हैं, एवरीबडी नोज देयर फोकस विजन एंड मिशन, एंड देयर इज अ पर्सन, देयर इज अ बॉस एट द टॉप हु गिव्स द डायरेक्शन, किसको कब कहां कितना करना है क्या करना है। अगर किसी को कुछ रोकना है, किसी को कुछ बढ़ाना है, वो मोदी जी का उनका नेतृत्व है, लीडरशिप है, कार्डर है, जो बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये एक एक पीछे थिंक टैंक्स भी काफ़ी है जो गवर्नमेंट को, जो प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो इन लोगों को एडवाइस करती रहती है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रेन बिहाइंड द सीन्स व्हिच इज नॉट विजिबल, जो दिखता नहीं है बट है, एंड दे आर मॉनिटरिंग ईच एंड एवरीथिंग। मैं आरजू जी एक चीज़ ये आपको बता सकता हूँ, आज अगर दुनिया में किसी की सांस भी चलती है ना, हमें खबर हो जाती है। ऐसा नहीं हम बेखबर होके खाबे गफलत में बैठे और किसी के भेजे माया जाल में फंस गए हैं। माया जाल में हम नहीं फंसते। हमारे यहाँ कहते हैं कि जब हनुमान जी ने 100 योजन समुद्र लांगा था तो बहुत काल नेमी थे, बहुत काल बहुत, और जब वो लंका वो संजीवनी पर संजीवनी बूटी लेने गए थे तो रास्ते में काल नेमी एक मायावी राक्षस था, उसने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। ये काल नेमी जितने भी हैं जहाँ भी है ये कोशिश कर सकते, रास्ता नहीं रोक पाएंगे, वो टाइम नहीं आएगा। हम अपने पथ पे अग्रसर है एंड वी हैव ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड अवर वर्क, वी नो व्हाट इज अवर प्रायोरिटी, एंड वी हैव वेरी कॉम्पिटेंट लीडरशिप हु नोज एग्जैक्टली व्हाट टू डू। और हमें इन चीजों से निपटना पड़ेगा आरजू जी, हम किसी के घर तो नहीं गए लड़ाई लेने करने ना, हमने किसी की जर जमीन जरूर पे तो नजर नहीं डाली ना, पर अगर कोई हमारे साथ आ रहा है तो हमें उसे निपटना पड़ेगा, निपटना जानते हो निपट लेंगे। अब उसकी मंशा है वो कब थकता है, हम तो तैयार है आरजू जी। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हम यही दुआ करते हैं कि हर जगह अमन रहे और अच्छे से, मतलब भारत में भी पीस रहे और बाकी जगह भी जो है वो पीसफुली लोग रहें। बहुत शुक्रिया सर आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।